मंडी जिला में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना के मेगा शिविर का शुभारंभ उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में विद्यार्थी जीवन से ही समाज हित कार्यों में संलग्न रहने से समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के गुणों का विकास होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से युवा पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि समाज व देश की उन्नति के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए और समाज में व्याप्त कुरूतियों की निदान के लिए अपना सक्रिय सहयोग देना चाहिए। ऋग्वेद ठाकुर ने बच्चों से आह्वान किया कि शिविर के दौरान वे जो कुछ अच्छी बातें सीखें उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन के साथ साथ समाज व पारिवारिक सदस्यों के साथ साझा करें ताकि ऐसे शिविरों की सार्थकता सिद्ध हो सके। तो आप लोग चुने हुए लोग हैं जिनको ये मौका मिला हुआ है इस कैंप में आने का, और जैसे बात ये है कि लीडरशिप क्वालिटीज, कोऑर्डिनेशन की क्वालिटीज, बाकी भी आपकी कोकरल एक्टिविटीज में आप भाग लेंगे।
राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय समन्वयकर दिलीप ठाकुर ने बताया कि इस मेगा शिविर में हिमाचल प्रदेश की विभिन्न माध्यमिक पाठशालाओं के चयनित 1000 स्वयंसेवी भाग ले रहे हैं। शिविर के सफल संचालन हेतु प्रदेश के 80 प्रशिक्षकों को यहां तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि शिविर में स्वच्छता, नशा निवारण, मतदाता जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारे विद्यालय में 5 दिवसीय NSS स्टेट लेवल का आयोजन किया जा रहा है, स्टेट लेवल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज DC महोदय के द्वारा किया गया और पूरे 12 जिलों से हमारे विद्यालय में NSS के वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस कैंप का समापन 27 तारीख को किया जाएगा, जिसमें हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं श्री अमरीत सिंह, तो उनके द्वारा इसका समापन किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल से 2 विद्यार्थियों का आना यहाँ पे सुनिश्चित हुआ है, जिसमें एक बॉय है, दूसरा गर्ल है। तो अगर बॉय स्कूल है तो 2 बॉयज, गर्ल्स हैं तो 2 गर्ल्स, उन्होंने यहाँ पे आना है। तो अभी काफ़ी विद्यार्थी आ रहे हैं, तो हमारा अनुमान है कि 1000 के करीब पार्टिसिपेंट्स विद्यालय में होंगे और 5 दिन का इनका कैंप रहेगा। तो यहाँ पर ये कल्चरल एक्सचेंज करेंगे, उसके पश्चात ये अकेडमिक सेशन में पार्ट लेंगे, डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे, एक्सरसाइज, योगा के ऊपर प्रोग्राम है, इन सभी की रहने की व्यवस्था भी की गई है। क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है तो गर्ल्स स्कूल में हमने लड़कियों के ठहरने का प्रबंध किया है, जिसके लिए मैं गर्ल्स स्कूल के प्रधानाचार्य जी का भी बहुत धन्यवादी हूँ। और कुछ बॉयज हमारे यू ब्लॉक में ठहरेंगे, तो CST मैडम का भी हमारे साथ तालमेल है, उन्होंने भी ये जिम्मेवारी हमारे साथ साझा की है, बाकी बॉयज हमारे साथ रहेंगे यहाँ पे। तो इन 5 दिनों में बच्चों ने ये सीखना है कि कैसे राष्ट्र की सेवा करनी है, कैसे सेवा भाव जगाना है, और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रैलियां भी करनी है। और आज ही से शाम को 4 बजे से रैली प्रारंभ होगी, तो चारों दिशाओं में मंडी के ये बच्चे जाएंगे और स्वच्छता के ऊपर, नशा निवारण के ऊपर अपना संदेश देंगे। कल भी सुबह रैली का प्रोग्राम है और इनकी दिनचर्या सुबह से 5:30 से स्टार्ट हो जाएगी और रात को 10:15 बजे इन बच्चों की लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। तो मैं इस कैंप के सफल संपन्न होने की ईश्वर से कामना करता हूं, ईश्वर से कामना करता हूं कि मौसम अच्छा रहे और हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार की कमी इन बच्चों को महसूस न हो।